ये अद्भुत भवन, मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये भवन सुषेण जी का है या किसी अन्य का। ये वैज्ञानिक यंत्र स्वर्ण पात्रों में भरी हुई भस्म अवश्य ही ये लंका के राजवैद्य सुषेण जी का आवास है। ये हैं राजवैद्य सुषेण जी। प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ही शीघ्रता में ये कोई औषधि बना रहे हैं। इनसे चलने के लिए आग्रह करता हूं। कोई आ रहा है। कहीं ये राक्षस सुषेण जी के लिए कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुषेण जी से बात करने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सुषेण जी को बिना कोई क्षति पहुंचे यहां से बाहर कैसे ले जा सकता हूं। हाँ, ये राक्षसी सेना सुषेण जी का भवन घेरे हुए हैं। मेरा अनुमान सत्य था। इन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं सुषेण जी को लेने यहां आया हूं। युवराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भले ही अभी कुछ भी ना हुआ हो, किंतु भविष्य में उसके परिणाम अवश्य आने वाले हैं। मुझे अग्रिम रूप से उसके लिए औषधि तैयार करनी ही होगी। सब सतर्क रहना। यदि वो वानर इस ओर आता दिखाई दे तो शीघ्र ही मुझे इसकी सूचना देना। इस बार वो वानर मेरे मायावी खड़क के सामने नहीं टिक पाएगा। स्मरण रहे, उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। ये भी आ गया यहाँ। अब तो सुषेण जी से आग्रह करने से बात बिगड़ सकती है। वो राक्षसों को मेरे बारे में बता सकते हैं और इन राक्षसों से निपटने में व्यर्थ ही समय नष्ट हो जाएगा। वहाँ प्रभु भी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है हनुमान जी सुषेण को लाने में अवश्य सफल होंगे, अन्यथा यदि मेरे लक्ष्मण के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो भविष्य में कोई भी अनुज भाई अपने ज्येष्ठ भाई की सेवा करने में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, राता लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान वैद्य सुषेण को लेकर अवश्य आएंगे। आज यदि भ्राता रावण भी उनके मध्य आए तो हनुमान को रोक नहीं पाएंगे। मेघनाद, तुम तो क्या, तुम्हारा पिता रावण भी हनुमान को रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए ये रामदूत हनुमान सुषेण जी को लेके ही जाएगा। जय श्री राम। ध्वनि कैसी? तो मेरी युक्ति काम कर ही गई। सारे मूर्ख राक्षस उसी ओर बढ़ लिए। एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं।
ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाथ, वानर तो उस ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे। श्री राम। वानर, काका कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़क से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्त व्याध सुषैण का आवास भी, और अंत हो जाएगा व्याधराज सुषैण का। जय श्री राम। ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाथ के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या, ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है, फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करे वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दंड की नहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है, अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये बानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके ही जाता है। क्या बला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। युधाश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे। सब कुछ ज्ञात है, वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया। उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। हनुमत सुषेण भवन संग लाई, जो देखी अचरज हर्षाई। सूचना जीवित वैदेही लाए, मंगल करते पवन सुताए। को सो विघ्न व कोसी बाधा, बजरंगी हर काज को साधा। नाम कपि मंगलमय आसा, अंजनी पुत्र तिनिर्म उजासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
प्रभु 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 प्रभु, माता सीता जीवित हैं। मेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी माँ जीवित है? प्रभु, उस दुष्ट मेघनाथ ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं, सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ। प्रभु प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपने सुध-बुध गंवा बैठा था। मेघनाथ की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं भी तो भ्रमित हो गया था ना। ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है। तुम असीम मातृ प्रेम के कारण भ्रमित हुए और मैं पत्नी प्रेम के कारण। प्रेम कभी कभी मन को दुर्बल कर देता है और मन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं ये राक्षस। हनुमान ने जो कुछ भी देखा वो विद्युत जिह्वा द्वारा उत्पन्न की गई माया थी और उसी माया से एक बार रावण ने माता सीता को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। प्रभु, यही है वैद्यराज सुषेण जी। प्रणाम वैद्य जी। और सुषेण जी, ये हैं। सूर्य को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती हनुमान। प्रभु के श्रीमुख मंडल का तेज स्वयं उनका परिचय दे रहा है। रक्ष वैद्य सुषेण का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। सुषेण जी, ग्रहण लग गया है सूर्य। मेरा तेज तो मेरे अपनों से ही था, किंतु अनुज लक्ष्मण और इन सब की ऐसी दशा ने ग्रस लिया है मेरे तेज को। ये तो गंभीर रूप से आहत दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुषेण जी, इन्हीं के उपचार के लिए आपको यहां बुलाया गया है। सुषेण जी, आप महाअनुभवी हैं। इन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को नष्ट करने में निपुण होंगे आप। भले ही आप हमारे शत्रुओं की नगरी लंका के राजवैद्य हैं, किंतु एक चिकित्सक का धर्म होता है पीड़ित को पीड़ा से मुक्त कराना, भले ही वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। प्रभु, मैं चिकित्सक धर्म का कठोरता से पालन करता हूं। आपके अनुज का उपचार मैं अवश्य करूंगा। सेठ जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस भयंकर अवस्था से शीघ्र ही उबार लीजिए, जिससे हम इन्हें भी इनकी भाभी मां की कुशलता का शुभ समाचार सुनाकर हम सब आनंद उत्सव मनाएं।
आश्चर्य प्रभु, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लंका समेत समस्त पृथ्वी में महाविनाश मच सकता था, उसका प्रभाव इतना सीमित कैसे हो गया? बिना किसी दैवीय शक्ति की सहायता के यह संभव नहीं हो सकता। उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए कुमार लक्ष्मण सहित अन्य वानर योद्धाओं का उपचार किया जा सकता है। सुषेण जी, आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। जिस वानर ने ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र को अपने सीने से रोक के उसके प्रभाव को न्यूनतम कर दिया हो, अब उसे किस अस्त्र से परास्त किया जा सकता है महाराज? तुमने क्या मुझे मेघनाथ समझ रखा है? तो छोटी मोटी मायावी तलवार को लेकर निकल पड़ूंगा उस वानर को मारने के लिए। अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिसे स्वयं महादेव को सहन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वो तुच्छ वानर क्या सहन करेगा उस वार को? मुझ में ब्रह्मास्त्र का वार सहने की शक्ति कहाँ है? मेरी शक्ति तो स्वयं प्रभु श्री राम है। इनका नाम इनकी भक्ति है, इन्हीं की कृपा से मुझ में ये सामर्थ्य आया है। मेरे समस्त कार्य प्रभु श्री राम जी के शुभ आशीष से ही संपन्न होते हैं। वैद्यराज जी, अब आपके उपचार कौशल का समय है, उपचार कीजिए लक्ष्मण भैया का, शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए इन्हें। जिस समय मेघनाद ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसी क्षण मैंने उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया था, किंतु प्रभु शोध के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। किंतु सुषेण जी, ये चारों बूटियां तो दुर्लभ है, लंका में इनका होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, ये जड़ी बूटियां यहां उपलब्ध नहीं है, ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। इन्हें लाने के लिए सुदूर उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी और इन्हें लेकर सूर्योदय के पूर्व वापस भी आना होगा। कैसे किया? काल नेमी तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, परंतु मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अपने वास्तविक रूप को धारण करो। काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, इसलिए मेरे धैर्य की ना 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 ना। अरे इतना क्रोध मत कीजिए महाराज लंकेश, मैं तो तुच्छ सा मायावी राक्षस हूं, मैं आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो बस यूं ही अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना है ना, मैं तुम्हें एक उचित अवसर दूंगा। छल, कपट, माया, मोहन, उच्चाटन,
वशीकरण। जो चाहो सो प्रयोग करो तुम, किंतु इस समय तुम्हें विवश करना है उस तुच्छ वानर को कि तुम्हारी माया में फंसकर वो कालकूट जैसे महाभयंकर विष को ग्रहण कर ले। उसका अंत करना है तुम्हें। हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, किंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? पिताश्री, ये स्वयं को कुछ आदि की योग्य समझ रहा है। छोड़िए इसे, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाकर इस वानर को समाप्त किए देता हूँ। अलंकेश, उस वानर के जैसी माया तो मैं भी रच लेता हूँ। मैं भी जाऊंगा युवराज की सहायता के लिए। उचित है, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है, मैं जाता हूँ। रुको कालने में। इन्हें बहुत अधिक अवसर दे चुका हूँ मैं, हर बार असफल हुए हैं ये। तो आप ये चाहते हैं कि जो कार्य महामायावी विद्युत जीवा और आपके महायोद्धा युवराज मेघनाद नहीं कर सके, वो कार्य मैं करूं? और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप स्वयं भी तो महाबली वानर से तो समझ रहे ना आप कि अगर मैं आपका कार्य कर देता हूं तो मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हुए तो लंका सहित आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा, आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा। अब कार्य करने में आनंद आएगा। समझिए कि आपका कार्य हो गया लंकेश। उचित है, किंतु स्मरण रहे, उस वानर का सामना करने से पूर्व तुम्हें कालिया नाग से कालकूट विष प्राप्त करना होगा। ना 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 ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए लंकेश, मैंने कहा ना, आप अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। ये हंसने की ध्वनि कुछ परिचित सी प्रतीत हो रही है। ये विचित्र हंसी मायावी कालनेमी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। हो सकता है भ्राता रावण यहाँ बचे हुए जीवित योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उसे भेज रहे हैं, या कदाचित हनुमान जी को रोकने के लिए। हिमालय क्षेत्र अब अधिक दूर नहीं है, शीघ्र ही मैं द्रोणगिरी पर्वत के निकट पहुंच जाऊंगा। सपेरे, भीतर जाओ। नहीं महाराज, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। भीतर जाने का अर्थ है मृत्यु। एक ही फुफकार में अपने महाविष से कालिया नाग अपने सम्मुख आए प्राणी को गला देता है। सपेरे, कालनेमी का क्रोध भी किसी महाविष से कम नहीं है। भीतर जाओ, जाओ भीतर। Ha 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 ha!
सपेरे, चलो भीतर, बजाओ अपनी बीन। हेलो, बीन बजाओ सपेरे, बुलाओ कालिया नाग को हमारे समक्ष बुलाओ। बीन बजाओ। बस बंद करो अपनी ये पुंकार, कदाचित तुम मुझसे परिचित नहीं हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब पुनः अपने विष का प्रहार मुझ पर करने की भूल मत करना, अन्यथा अपनी मायावी शक्ति से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को जो यहाँ बिलों में निवास कर रहे हैं सबको समाप्त कर दूंगा। अतः मुझसे दूरी बनाए रखो और मेरे आदेश पर दृष्टि जमाए रखो जैसा मैं कहता हूं। अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैं यहां रक्षराज रावण का कार्य पूर्ण करने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारा कालकूट विष चाहिए। कालकूट विष डाल दो।
अति श्रेष्ठ, अति सुंदर ये हिमालय क्षेत्र। ओ वो वानर हनुमान यही कहीं आएगा। ये अद्भुत आभा हनुमान जी, जब आप हिमालय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो कैलाश पर्वत एवं ऋषभ पर्वत के मध्य आपको एक अन्य पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत की अपनी एक अद्भुत आभा है जो चांदनी में भी अधिक आलोकित प्रतीत होती है। तो ये है ऋषभ पर्वत और ये कैलाश पर्वत। पवित्र शिव कैलाश पर्वत को मेरा प्रणाम। इनके मध्य ये पर्वत, सुषेण जी ने जो विशेषता बताई थी उसके अनुसार तो यही द्रोणागिरी पर्वत प्रतीत हो रहा है। मुझे शीघ्र ही यहाँ से जड़ी बूटियाँ प्राप्त करके लौटना होगा। जड़ी बूटियाँ प्राप्त करना तो दूर, ऐसी माया रचूंगा कि मेरी माया में उलझकर ये काल कूट विष पीने को बाध्य हो जाओगे तुम हनुमान, और यही हो जाएगा तुम्हारा अंत। वानर इधर ही आ रहा है। होता है हनुमान ने मुझे इस रूप में देख लिया है। यदि इसने मुझे इस रूप में देख लिया है तो मेरी माया में कैसे फंसेगा ये? अभी तो मुझे अपनी माया रचानी है। कहाँ होंगी वो जड़ी बूटियां? कितना मनोहर स्थल है, जड़ी बूटियों के अद्भुत प्रकाश से जगमग करता है ये वन। मैं तो सोच रहा था यहां मात्र कुल 4 जड़ी बूटियां होंगी जो सुषेण जी ने बताई थी। किंतु यहां तो विभिन्न प्रकार की सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं। इनमें उन 4 जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? क्या मेरे स्पर्श मात्र से ही इनकी आभा समाप्त हो गई? ये भी लुप्त हो गई। ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या करूंगा मैं?
हाँ, सुषेण जी ने कुछ बताया था जब मैंने उनसे पूछा था। सुषेण जी, मैं उन जड़ी बूटियों को पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं, किंतु छुई मुई और रहस्यमय भी। ये अपने को पाने योग्य पात्र का चुनाव स्वयं करती हैं, इसलिए सर्वप्रथम आपको उनके समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, अपनी आवश्यकता का प्रमाण देना होगा जो कि वास्तविक और धार्मिक सत्कार्य के लिए हो। और हाँ, इन जड़ी बूटियों को सूर्योदय के पूर्व ही तोड़ा जा सकता है। मुझे प्रातः काल से पूर्व ही चारों जड़ी बूटियों को पहचान कर उन्हें लेकर लंका पहुंचना ही होगा, किंतु ये सभी जड़ी बूटियां दिव्य दिखाई दे रही हैं। इनमें से उन चार जड़ी बूटियों को पहचानूं कैसे? कोई ऋषिवर है वहां, कदाचित वो जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता ही कर दें। राम काज के लिए आए हो राम भक्त, तो इस प्रकार सोच विचार में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? अविलंब अपना कार्य पूर्ण करो। प्रणाम गुरुदेव। असमंजस में मत पड़ो हनुमान, राम रावण के युद्ध पर तो हम ऋषि मुनियों की क्या, देवी देवताओं की भी दिव्य दृष्टि बनी हुई है, इसलिए मुझे तुम्हारे आने का प्रयोजन ज्ञात है। मुझे तो यहां तक ज्ञात है कि अंत में विजय श्री राम की ही होगी। ऋषिवर, प्रभु की विजय का विश्वास तो मुझे आरंभ से ही है, आप ऋषि मुनियों को भी ऐसा प्रतीत होता है ये जानकर मुझे प्रसन्नता का आभास हो रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया है मेरे यहां आने के उद्देश्य में आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। योग करना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण सहित एवं महाराज सुग्रीव सहित अनेक वानर सैनिकों के लिए इन जड़ी बूटियों के उपचार की आवश्यकता है। चिंता मत करो वत्स, ये तो धर्म का कार्य है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हनुमान, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं, इन्हें ग्रहण करने वाले को तन और मन से पूर्णतया स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हें ग्रहण करने से पूर्व जाओ, वो जो सामने सरोवर है उसमें जाकर स्नान कराओ। किंतु स्नान करते समय ये स्मरण रहे कि तुम्हारे नेत्र बंद रहें, और बंद नेत्रों से तुम इन जड़ी बूटियों का स्मरण करना। जब तुम सरोवर से बाहर आओगे और अपने नेत्र खोलोगे तो ये जड़ी बूटियां स्वतः ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। जाओ स्नान कराओ। किंतु ऋषिवर, नेत्र क्यों बंद रखने हैं? तुम प्रश्न बहुत करते हो हनुमान, इसके पीछे एक लंबी कथा है। तुम्हारे पास समय है,
सुनना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे सूर्य उदय से पहले ही लौटना है। आपके निर्देश अनुसार मैं शीघ्र ही स्नान करके आता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। स्नान कराओ। अब आएगा आनंद, जैसे जैसे ये मूर्ख वानर सरोवर में उतरता जाएगा, अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा। प्रणाम जल देवता। जल में हलचल हो रही है, किंतु मुझे जड़ी बूटियां चाहिए, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोल सकता। किसी जलचर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कुछ भी हो जाए, किंतु नेत्र नहीं खोलूंगा मैं। हे जलचर, मैं राम काज हेतु शुद्धि स्नान करने आया हूं, अतः मेरे कार में बाधा मत बनिए आप। मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। पुनः विनती करता हूं, मेरा पांव छोड़ दीजिए, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं। अब आएगा आनंद, ये वानर इस महामकरी से बच नहीं पाएगा। फिर भी अगर इस मकरी से बचकर इसकी शतविचित देह में प्राण बच भी गए, तो मैं अवसर का लाभ उठाकर इसे ये कालकूट विष पिला दूंगा। बहुत हो गया नम्र निवेदन। हिंसक पशु नम्रता की नहीं, हिंसा की ही भाषा समझते हैं। जय श्री राम। ये मकरी राक्षसी इतना शीघ्र परास्त नहीं होने वाली। मूर्ख वानर, तुम बच नहीं पाओगे इससे। हे दिव्य सरोवर, शुद्ध स्नान में मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही जड़ी बूटियां प्राप्त करके लंका लौट सकूं।
ये क्या, राक्षसी मकरी अप्सरा बन गई? आप कौन हैं देवी, और ये सब क्या माया है? मैं अप्सरा धन्य मालिनी हूँ। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मकरी बन गई थी। मेरा उद्धार श्री राम के सच्चे भक्त के हाथों ही होना था। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद राम भक्त हनुमान। धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, वो ऋषिवर हैं। उन्होंने ही मुझे सरोवर में भेजा जिससे कि मैं ये शुद्धि स्नान के पश्चात दिव्य जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं। क्षमा करें हनुमान जी, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, और ना ही यहाँ किसी ऋषि का वास है। श्री राम का नाम लेकर आपको भटकाने वाला वो बहरूपिया ऋषि नहीं, लंकेश रावण के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है, जो राम कार्य में सहायता नहीं बाधा उत्पन्न करने आया है। यदि मेरे पास समय का अभाव न होता तो उस राक्षस को उसकी करनी का अभी दंड देता मैं। किंतु देवी, मेरे लिए सर्वप्रथम समय रहते जड़ी बूटी प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी, क्या आप उन विशेष जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता कर सकती हैं? आपके उपकार के प्रति फलस्वरूप आपकी सहायता करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती, किंतु दुख है कि मैं इस राम काज में आपके लिए मात्र शुभकामना ही कर सकती हूँ, अन्य कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें। प्रणाम। हनुमान, उस अप्सरा ने तुम्हें मेरा परिचय दे दिया होगा, किंतु तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि इस कमंडल में प्रसाद कौन सा है। इस कमंडल में धन्वंतरी का जल नहीं है, इस कमंडल में है महाकालिया नाग का कालकूट विष, जिसे अब मैं इस सरोवर के जल में मिलाने जा रहा हूँ, जिसके मिलते ही इसका सारा जल विषाक्त हो जाएगा। यहाँ के सारे जलचर, तुम, वन्य पशु पक्षी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। और एक बात और, जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जिन जड़ी बूटियों को तुम प्राप्त करने इस हिमालय क्षेत्र में आए हो, वो सब नष्ट हो जाएंगी। इस राक्षस से युद्ध करने के लिए समय शेष नहीं है, इसी को, इसी के कालकूट विष से इसका वध कर देता हूं मैं। अब कुछ नहीं हो सकता हनुमान, जो करना था कालनेमी ने कर दिया। तुम्हारा प्रसाद तुम्हें ही ग्रहण कराता हूं अभी। छोड़ मुझे। हनुमान के होते हुए वन के जीवों और वनस्पतियों का नाश नहीं कर पाओगे तुम पापी। धन्वंतरी जी का प्रसाद है ना,
तो फिर पान करो इसका। कालिया नाग का विष है, कालकूट विष। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। राम काज में बाधक ये राक्षस तो समाप्त हो गया, किंतु मेरी दुविधा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं पहचानूं कैसे उन जड़ी बूटियों को? समय भी व्यतीत होता जा रहा है, क्या करूं मैं? अब तो रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया है। कदाचित हनुमान ने जड़ी बूटियां प्राप्त कर ली हो। किंतु विभीषण जी, महामायावी कालनेमी अभी तक यहां नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो निश्चित रूप से हनुमान जी को रोकने गया होगा। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता, असीम पराक्रम है हनुमान में। देखिएगा लक्ष्मण भैया और पूरी सेना सहित सबको जीवित कर देंगे वो। कौन कौन सी है वो विशेष जड़ी बूटियां, कैसे ज्ञात करूं मैं? अधिकांश बूटियां तो एक समान ही प्रतीत हो रही हैं। यदि इनमें अंतर ढूंढ भी लूं, तो कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है? वहां सब मेरी आस लगाए बैठे होंगे और मैं बूटियां ही नहीं पहचान पा रहा हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, दर्शाइए मुझे मार्ग। समय तो व्यतीत होता जा रहा है, कहीं सूर्योदय की बेला आ गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैया लक्ष्मण सहित पूरी सेना के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होगा। मुझे क्षमा करना पर्वत श्रेष्ठ द्रोणागिरी, आपके पास भी मेरी समस्या का कोई हल नहीं है और सूर्य उदय की बेला निकट आ रही है, अतः उन जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब एक मात्र विकल्प ही शेष है, आपको यहां से विस्थापित करके लंका ले जाना। महाविशाल पर्वत द्रोणागिरी, अब आपका यहां से विस्थापित होने का समय आ गया है। इस पर्वत पर स्थित पशु पक्षियों रामकाज के लिए ऐसा करना आवश्यक है हमें, अतः आप सबको होने वाली असुविधा के लिए मुझे क्षमा करें।
पति कहां पर है, कैसे है, कोई समाचार मिल जाता तो भरत के संतप्त मन को सांत्वना मिल जाती। अकस्मात ये विशाल छाया क्या है? अवश्य ये कोई मायावी दानव है जो इस विशाल पर्वत को लेकर अयोध्या की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। ये अयोध्या का राजभवन, मैं भी बाल अवस्था में यहाँ पर आया था। ये तो राजभवन की ओर देख रहा है, प्रतीत होता है कि पर्वत को भवन पर गिराकर भवन को नष्ट कर देगा। मुझे इसे यही रोकना हो। मुझे विश्वास है प्रभु के चरण पड़ते ही ये समस्त अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठेगी। दीपों की जगमग से आलोकित हो उठेगी अयोध्या। ये क्या है? ऐसा दिव्य बाण है जिसका प्रहार मैं भी सहन नहीं कर पा रहा। अयोध्या पर गिरकर इसे नष्ट कर देगा, इसे पूर्व में से खंडित कर देता हूं। द्रोणागिरी पर्वत और ये पवित्र धरा, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों को नष्ट होने से बचाना होगा। क्या हुआ प्रभु, किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ क्या? हनुमान, क्या हुआ माता? मुझे कुछ अशुभ घटित होने का आभास हुआ। संकट मोचन का सामना भला कोई संकट कैसे कर सकता है? राम कार्य पूर्ण करके ही आएंगे हनुमान। हनुमान विजय के प्रतीक है माता, बड़े से बड़ा संकट भी तुच्छ है उनके समक्ष। हे
प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रतिरूप प्रतीत होने वाले महापुरुष, अवश्य आप मेरे प्रभु के भ्राता राजकुमार भरत हैं। संकट मोचन कौन है आप? मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मेरे पिता तुल्य अग्रश्री राम भैया से आप कैसे परिचित हैं? दशरथ नंदन, पराक्रमी भरत, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त, उनका सेवक हूं। मैं उन्हीं के कार्य के लिए निकला था। भैया के कार्य के लिए? परंतु हे कपिवर, उनके किस कार्य के लिए आप इस विशालकाय पर्वत को ले जा रहे हैं, जिसने अभी अयोध्या का मार्ग बाधक किया हुआ है? भैया भरत, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। कैसा भाई हूं मैं? मेरे अग्रज और मेरी पुण्य स्वरूपिनी भाभी घन संकट में है। मैं उनकी सहायता करने के स्थान पर उनके कार्य में बाधक बन गया। मुझे क्षमा करें, ये दुखद समाचार देकर मैंने आपको विचलित कर दिया। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि भोर होने के पूर्व मैं द्रोणागिरि पर्वत के साथ वहां पहुंच गया तो भ्राता लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, इस युद्ध में विजय प्रभु श्री राम की ही होगी, क्योंकि धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए तत्पर मेरे भैया श्री राम के साथ जब तक आप जैसे महाबली योद्धा है, उनकी विजय में कोई संदेह नहीं। मात्र क्षोभ इस बात का है कि मैं उनके कार्य में विलंब का कारण बना। आप दुखी ना हो, आपसे मेरी भेंट अति शुभ है। अब औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत ही नहीं, मैं लक्ष्मण भैया के लिए आपकी शुभकामनाएं भी लेकर जाऊंगा। भैया की सहायता के लिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं राजकुमार भरत, यदि आप अयोध्या से गए तो वो कपटी रावण इस अवसर का लाभ उठाएगा। अयोध्या को संकट में डाल वो प्रभु का ध्यान बांटने की चेष्टा करेगा। इसलिए मेरे विचार से आपको अयोध्या की सुरक्षा के लिए यहीं रुकना चाहिए भैया। बस इतना आशीष दीजिए मुझे कि मैं समय रहते वहां पहुंच जाऊं। श्री राम नाम की शक्ति से मैं अवश्य ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम भरत भैया। प्रणाम। शीघ्र जाइए मेरे भ्राता की सहायता के लिए। वो देखिए हनुमान,
अद्भुत। आपके आशीर्वाद से और विश्वास से मैं सफल हुआ। आप विलक्षण हैं, महान हैं हनुमान। रक्षराज सुषेण को लेने गए तो उन्हें ग्रह समेत यहां लेकर आ गए, और अब ये औषधियों से परिपूर्ण ये पर्वत। हनुमान, आपका कार्य अद्भुत है। औषधियों के साथ राजकुमार भरत की शुभकामनाएं भी लेकर आया हूं प्रभु। भरत, हनुमान, अब और विलंब उचित नहीं है। अविलंब मेरे साथ चलिए और आवश्यक औषधियों को एकत्रित कीजिए।